अपने माता पिता की अकेली संतान सन्नी का रंग ढंग कुछ अलग ही था। माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ। देख बेटा, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, बता दे रही हूँ, वरना तेरी खैर नहीं। अरे नहीं आएगी माँ, दुनिया जलती है तेरे बेटे से। अच्छा चल बाय। सन्नी बस की लाइन में खड़ा था कि तभी बस आ जाती है। वहाँ खड़ी एक लड़की बस में चढ़ने की कोशिश करती है कि हटो हटो, कॉलेज के लिए देर हो रही है, आ जाती हो सज धज कर। काम ही क्या है तुम लड़कियों को, सिर्फ शॉपिंग और घूमना। सन्नी लड़की को धक्का मारकर बस में चढ़ जाता है। अरे भैया कुछ तो शर्म कर लेते हैं, बेचारी लड़की को धक्का दे दिया, वो गिर जाती तो। अरे गिर जाती तो गिर जाती, कॉलेज के लिए देर हो रही है, आप अपना काम करें। पास बैठा एक आदमी उस लड़की को सीट देता है। तुम बैठ जाओ बेटा, हो सकता है तुम्हें चोट आई हो। लड़की बैठने वाली होती है कि सन्नी झट से उस सीट पर बैठ जाता है। ए लड़के, बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी देख रही हूँ, समझ में नहीं आता कि ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। क्यों, तुम क्या अंग्रेजों से लड़ाई करके आई हो, या फिर देश का बजट पास करके, जो तुम्हें बैठने की जरूरत है मुझे नहीं। सन्नी महिलाओं वाली सीट में बैठ जाता है। लड़के उठो यहाँ से। अरे रहने दीजिए ना, इनको ज्यादा जरूरत है, वैसे भी ये बेचारे कोमल से हैं, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ। भैया आप बैठिए। हाँ लोग सन्नी का मजाक उड़ाते हैं। सन्नी लड़कियों और औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, उन्हें मान सम्मान भी नहीं देता, जिससे उसके माता पिता भी काफी परेशान रहते थे। एक दिन सन्नी का दोस्त कहता है, यार मेरे भाई के लिए लड़की देखने जाना है, चलेगा क्या? हाँ हाँ चल। लड़की वालों के घर में दोस्त की माँ कहती है, बहू के रूप में हमें आपकी बेटी पसंद है। अरे रुकिए आंटी, पूछ तो लीजिए कि क्या क्या करना आता है, खाना बनाना भी आता है कि नहीं, और घर की साफ सफाई। सन्नी मैं बीवी के लिए यहाँ आया हूँ, नौकरानी के लिए नहीं। अरे भैया इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए इन लोगों को, और तो और इसके पापा से पूछ लो कितना दहेज देंगे, वो क्या है ना, एक तो इनकी लड़की को रखो और वो भी फ्री में। तभी लड़की बोल पड़ती है, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। लड़कियों के लिए ऐसी सोच रखने वालों से तो मैं खुद ही शादी नहीं करूंगी। ओए होए, अकड़ तो देखो मैडम की। अरे भाई लड़की हो लड़की, भूल गई क्या, माँ बाप नहीं रखने वाले जिंदगी भर। तभी लड़की के पिता बोलते हैं, बिल्कुल रखेंगे, बेटी है हमारी, और निकलो यहाँ से। दोस्त की माँ सनी को कहती है, बेटा ऐसा है कि तुम अब अपने घर जाओ, ये सोच मुझे अपने बच्चों में नहीं डालनी, और अच्छा होगा कि मेरे बेटे से अब मिलना भी मत कभी भी। सन्नी को बेइज्जती महसूस होती है, वो वहाँ से निकल रहा होता है कि उसके कान में लड़की की माँ की आवाज आती है, अरे पता नहीं कैसे कैसे संस्कार देते हैं माँ बाप अपनी औलाद को। सन्नी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो घर आकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या हुआ बेटा, क्यों मुँह लटका हुआ है? सन्नी माँ को सारी बात बता देता है। शाम को माँ पिता से सारी बात कहती है। क्या किया जाए, अब इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। तभी वहाँ पिता के दोस्त आते हैं। अरे मोहन भाई, मैं सुमन को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर रखना चाहता हूँ, आप तो जानते ही हैं, माँ है नहीं इसकी, और मुझे काम के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। वो सुमन को इनके घर छोड़ जाते हैं। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। सनी तैयार होकर आता है और सुमन से राखी बंधवाता है। बहुत किस्मत वालों को बहन मिलती है, समझे। सनी घर से निकल रहा होता है कि बहन उसे जूते देकर कहती है, भैया ये शूज पहनो, वो वाले अच्छे नहीं लग रहे। अरे सुमन इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत बिगड़ैल है ये। नहीं नहीं मेरे भैया के लिए ऐसा मत बोलिए, बहुत अच्छे हैं वो। सनी को सुमन अच्छी लगने लगती है, वो उसका ख्याल रखता और सुमन उसका। एक बार सन्नी दोस्तों के साथ पार्टी करता है और घर आने में देर हो जाती है। हेलो सुमन, मैं घर आ रहा हूँ, तुम पीछे वाला दरवाजा खोल देना प्लीज। सुमन भाई के लिए दरवाजा खोल देती है और वो कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह, अरे ये सन्नी कल कब घर आया पता ही नहीं चला। अब हाथ तो गए थे भैया वक्त से, क्यों, मैंने ही तो दरवाजा खोला था। सुमन भाई को बचाने के लिए झूठ बोलती हो तुम। सन्नी वहाँ खड़ा सब सुन रहा होता है। वो कॉलेज के लिए निकलता है और उसे फिर से बस के पास वो लड़की दिखती है। लड़की सन्नी को देखकर पीछे हो जाती है, लेकिन जैसे ही बस आती है, अब
बहन जी पहले आप चढ़िए और उस दिन के लिए सॉरी। अरे सन्नी क्या हो गया, सब ठीक है ना? तू तो ऐसा रीता। हाँ यार पता नहीं क्या हो गया, चल कॉलेज चलते हैं। सनी और उसका दोस्त कॉलेज जाते हैं, जहाँ एक लड़की को उसका दोस्त परेशान करने की कोशिश करता है। आय हाय कितनी सुंदर हो, क्या खाती हो जाने मन। सनी को ये देखकर गुस्सा आता है। वो क्या खाती है वो बाद में बताएगी, लेकिन आगे से तूने किसी भी लड़की को छेड़ने की कोशिश की ना, तो तू ये मेरी चप्पल देख रहा है वो तू पहले खाएगा, समझा? यार तू पागल हो गया है क्या, तू अब हम लोगों जैसा नहीं रहा, अच्छा है तू कोई और दोस्त देख ले। नहीं रहूंगा मैं तेरे साथ, लेकिन तुझे तो सुधार ही दूंगा। अरे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। वैसे तुझे हो क्या गया है अचानक से? सन्नी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हो गया है। अब वो महिलाओं को बस पे सीट देता, उनकी इज्जत करता, उनका ख्याल रखता। एक बार सन्नी सुमन के साथ बाजार जा रहा होता है कि सुमन के पास उसकी सहेली का फोन आता है। भैया पास में मेरी सहेली रहती है, वो रो रही थी, मुझे उससे मिलना है, आप ले चलेंगे? सनी सुमन के साथ उसकी सहेली के घर जाता है, जहां उसे देखने वाले आए होते हैं। अरे क्या हो गया? जो लोग मुझे पसंद करने आए हैं, वो लोग पापा से ढेर सारा पैसा दहेज के लिए मांग रहे हैं, मेरी पढ़ाई छुड़वा कर घर के काम करने के लिए कह रहे हैं। वो रोने लगती है कि सनी बोल पड़ता है। मैं बात करता हूँ उन लोगों से। सनी उन लोगों के पास जाता है। अगर आप लोगों को घर का काम करवाने के लिए लड़की चाहिए तो नौकरानी रख लीजिए ना, माता पिता ने लड़की को पढ़ा लिखा कर खुद के पैर पर खड़ा करने लायक बनाया है, आप उसके पैर काटने में लगे हो। सनी बोला जा रहा था और सुमन भाई को देख रही थी। वो लोग घर आ जाते हैं, सुमन माँ को सारी बात बताती है। अरे ये कैसे, सनी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? सनी से यही सवाल उसके दोस्त ने भी पूछा होता है, और तब उसे समझ में नहीं आता कि उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। लेकिन आज जब माँ ने ये सवाल किया तो सन्नी सामने खड़ी सुमन को देखता है। माँ ये बदलाव मेरे अंदर सुमन के आने के बाद आया, वो मेरी बहन है और मैं हमेशा उसे सबसे अच्छे से रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर कोई उसका सम्मान करे। जिन लड़कियों को मैं परेशान करता था वो भी तो किसी की बहन होंगी, ये मैं समझ चुका हूँ। और ये भी कि औरतों का सम्मान हर शिक्षित और सभ्य समाज की पहली जरूरत है।